एपेक्स लीजेंड्स मोबाइल में हर प्लेयर अच्छा खेलना चाहता है। इस वीडियो के 10 एडवांस टिप्स आपके गेम को अच्छा तो बनाएंगे ही, साथ साथ ही आपका रैंक भी आसमान को छुएगा। इस वीडियो को अब पूरा देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, टीम प्ले। एपेक्स लीजेंड्स मोबाइल में टीम प्ले की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब भी आपको कोई एनिमी प्लेयर या एनिमी स्क्वाड दिखे, शूट करने से पहले अपनी टीम को इन्फॉर्म करो और वेट करो उनके आने का। टीम के आने के बाद भी आपको डायरेक्ट पुश नहीं करना। सबसे पहले एटलीस्ट एक एनिमी को नॉक करना है, फिर एक साथ पूरी टीम को पुश करना है। नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ शील्ड। अगर आप किसी फाइट में एंगेज्ड हैं और उसी बीच आपके शील्ड का चार्ज खत्म हो जाए, तो विदाउट शील्ड फाइट को कंटिन्यू ना करके कवर लेकर शील्ड रिचार्ज करना चाहिए। इफ शील्ड को रिचार्ज करने का टाइम नहीं है तो आसपास पड़ी कोई भी शील्ड से अपनी शील्ड स्वैप कर लेनी चाहिए, और अगर एनिमी प्लेयर का शील्ड टूटता है तो वो रिचार्ज करे, उससे पहले उस पर पुश कर देना चाहिए। नंबर 3, थ्रोएबल्स। जब कभी भी हम किसी फाइट में एंगेज होने वाले होते हैं तो हमें शूट करने से पहले ग्रेनेड, आर्क स्टार या थर्माइट उन पर फेंक देना चाहिए और फिर रैपिड शूट करना चाहिए। सडन शूटिंग की वजह से वो थ्रोएबल्स को हार्डली नोटिस कर पाएंगे एंड यू विल ओन द फाइट। नंबर 4, केयर पैकेज। केयर पैकेज से हमें वो रेयर आइटम्स मिलते हैं जो ग्राउंड पे नहीं मिलते और काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। पीस कीपर, क्रैबर, स्पिटफायर, एक्सेट्रा गन्स एंड आइटम्स हमारे मैच जीतने के चांसेस को काफी बढ़ा देते हैं। नंबर 5, यूज ऑफ एबिलिटीज व्हाइल इन बैटल। एपेक्स लीजेंड्स मोबाइल में जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट शूटिंग और एम है, उतनी इंपॉर्टेंट एबिलिटीज हैं। हम जो भी एजेंट सेलेक्ट करते हैं उसकी एबिलिटीज हमें यूज करनी आनी ही चाहिए, ताकि उससे हमारा और हमारी टीम का फायदा हो। नंबर 6, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गेमिंग के। आपको हमेशा अपना माइक ओपन रखने का ट्राई करना है ताकि आप कॉल्स लेकर कोऑर्डिनेट कर पाओ टीम से। इफ आप अपना माइक हमेशा खुला नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट लोकेशन पिंग करके उन्हें इन्फॉर्म करिए। नंबर 7, लास्ट सर्कल। आखिरी सर्कल पर हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए। इफ लास्ट सर्कल में 3 या 3 से ज्यादा स्क्वाड्स अलाइव हैं, तो हमें छुपकर और रुककर खेलना चाहिए इफ उन्होंने हमें या हमारी टीम को नोटिस नहीं किया है। हमारा टारगेट हमेशा दो स्क्वाड्स की फाइट का एडवांटेज लेना होना चाहिए। नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर एजेंट सिलेक्शन। अगर आप रैंक्ड मैचेस खेल रहे हो तो हमेशा वो एजेंट्स पिक करो जिसकी एबिलिटीज आपको अच्छे से पता हो और जो टीम के लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा एजेंट खेलूं, तो आंख बंद करके लाइफलाइन पिक कर लो। नंबर 9, फोकस ऑन प्रिसाइज एंड फास्ट मूवमेंट्स। शूट करते वक्त, लूट करते वक्त, हील करते वक्त एंड मोस्ट ऑफ द चीजों में आपके मूवमेंट्स प्रिसाइज और फास्ट होने चाहिए। अब आपने सब सीख लिया, बट शूट करते वक्त एक ही जगह खड़े होकर गोली चला रहे हो तो सामने वाला बंदा डिस्को डांस करके आपको मार के तो चला ही जाएगा ना। नंबर 10, प्रॉपर टेक्निक ऑफ लूटिंग। ये टिप सिंपल है। क्रेट लूटते वक्त फालतू चीजें नहीं उठानी। गन अटैचमेंट्स, शील्ड, हेल्थ किट्स मेन फोकस में होनी चाहिए। लूटते वक्त मूव करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, वरना कोई खोपड़ी खोलकर चला जाएगा। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर और भी धमाकेदार टिप्स और वीडियोस चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ।